प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ कौच बीज चूर्ण के बारे में। आपको सारी डिटेल बताऊंगा। आप चाहें तो पंसारी की दुकान से कौच बीज लाकर घर पे भी उसका पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो बना बनाया पाउडर भी आप खरीद सकते हैं। मेरे पास व्यास कंपनी का है कौच बीज चूर्ण। आप चाहें तो पतंजलि का ले सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 100 ग्राम की क्वांटिटी में मुझे मिला है 80 रुपये में। इस पे प्रिंट रेट है 85 रुपीज़, 5 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है। 80 रुपये में मुझे 100 ग्राम व्यास कंपनी का कौच बीज चूर्ण मिल गया है। किस किस काम में आता है वो भी हम बात करेंगे। किस टाइम खाना है, रात को सोने से पहले 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ आपको लेना है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको लॉक खोल के दिखा दिया है, सामने से ये ढक्कन ओपन कर दिया है और इसके अंदर से निकला है ये पन्नी के अंदर चारों तरफ से सील्ड पैक कौच बीज पाउडर। आप चाहें तो मैंने जैसे कि बताया, पंसारी की दुकान से बीज लाकर घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, वो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। अगर आप बना बनाया पाउडर खरीदना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। जल्दी से इसको कट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, मैं कट कर चुका हूँ और ये आपके सामने है कौच बीज पाउडर। ग्रे कलर का होता है, ये याद रखिए हमेशा से, क्योंकि अगर कोई इसमें मिलावट होगी तो इसका कलर इस तरह का नहीं होगा। ये मिट्टी जैसे रंग का होता है कौच बीज चूर्ण। आपको कितना लेना है, या तो 3 से 5 ग्राम, अगर स्पून से आपको देखना है तो आपको लगभग हाफ से थोड़ा सा कम, इतना कौच बीज चूर्ण आपको डेली रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ लेना है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, व्यास कंपनी का है, 100 ग्राम की क्वांटिटी में है, बता चुका हूँ क्या क्या बेनिफिट हैं। जल्दी से बता देता हूँ आपको, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एनजाइटी रहती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी अगर रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है कौच बीज चूर्ण। अगर आपके अंदर स्टेमिना की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, तो भी कौच बीज चूर्ण आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका लिबिडो यानी सेक्स डिज़ायर कम हो गई है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, तो आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका जो सीमेन है उसको आपको गाढ़ा करना है, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाना है, तो भी आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। पुरुषों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। रोज़ रात को सोने से पहले 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ अगर आप लेंगे तो ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप थका हुआ फील करते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो आपको कौच बीज चूर्ण का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इस तरह का रसायन क्रिएट करता है जिससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है और फिर हमें बहुत ही अच्छी गहरी नींद आ जाती है। इससे बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट आपका बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। अगर सेक्स करते हुए भी बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं तो भी आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। बिना किसी डाउट के आप बस अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको कोई ऑलरेडी कोई डिजीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो इसका इस्तेमाल मत करिए। अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं या फिर टैबलेट्स खाते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही साथ ये भी बता दूं, अगर आपने कोई रिसेंटली कोई बड़ी सर्जरी कराई है, कोई ऑपरेशन आपका हुआ है, तो भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। 55 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 18 साल से अगर कम आयु है, अगर आप 18 साल से कम एज के हैं, तो भी आपको इसके इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में यूज़ करते हुए आपको हो सकता है कि स्टमक रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू हो, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका सिस्टम इसको समझ जाएगा और फिर आपके अंदर आएगी भरपूर शक्ति, हर तरह की भरपूर शक्ति। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बताया कि पुरुषों के लिए सेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो स्पर्म क्वालिटी को बेटर करना हो, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, यानी कि शादी को बहुत सारा टाइम हो गया है लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो भी आपको कौच बीज चूर्ण ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, इतने सारे फायदे कौच बीज चूर्ण के हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहें तो बना बनाया मार्केट से खरीद सकते हैं और चाहें तो पंसारी की दुकान से कौच बीज लाकर घर पे उसका पाउडर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप चाहें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हैव अ गुड लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।